इसी समय वहां हजारों लोगों का इतना विशाल समूह इकट्ठा हो गया कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। मसीह यीशु ने सबसे पहले अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, फरीसियों के खमीर अर्थात ढोंग से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी ढका नहीं जिसे खोला ना जाएगा, या ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे प्रकट ना किया जाएगा। वे शब्द जो तुमने अंधकार में कहे हैं प्रकाश में सुने जाएंगे। जो कुछ तुमने भीतरी कमरे में कानों में कहा है वो छत से प्रचार किया जाएगा। मेरे मित्रों मेरी सुनो, उनसे भयभीत ना हो जो शरीर का तो नाश कर सकते हैं किंतु इसके बाद इससे अधिक और कुछ नहीं। पर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हारा किससे डरना सही है। उन्हीं से जिन्हें शरीर का नाश करने के बाद नर्क में झोंकने का अधिकार है। सच मानो तुम्हारा उन्हीं से डरना उचित है। क्या दो असारियों में 5 गौरैया नहीं बेची जाती, फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलते। सच तो ये है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। मत डरो, तुम्हारा दाम अनेक गौरैयों से कहीं अधिक बढ़कर है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करता है, मनुष्य का पुत्र उसे परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने स्वीकार करेगा। किंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करता है उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। यदि कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक भी शब्द कहता है उसे तो क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा बिल्कुल क्षमा न की जाएगी। जब तुम उनके द्वारा सभागृहों शासकों और अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए जाओ तो इस विषय में कोई चिंता न करना कि अपने बचाव में तुम्हें क्या उत्तर देना है या क्या कहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम पर प्रकट करेंगे कि उस समय तुम्हारा क्या कहना सही होगा। उपस्थित भीड़ में से किसी ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वो मेरे साथ पिता की संपत्ति का बंटवारा कर ले। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, भले मानुस, किसने मुझे तुम्हारे लिए न्यायकर्ता या मध्यस्थ ठहराया है? तब मसीह यीशु ने भीड़ को देखते हुए उन्हें चेतावनी दी, स्वयं को हर प्रकार के लालच से बचाए रखो। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत होने पर भला नहीं है। तब मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया, किसी व्यक्ति की भूमि से अच्छी फसल उत्पन्न हुई। उसने मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं, फसल रखने के लिए तो मेरे पास स्थान ही नहीं है। तब उसने विचार किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इन बखारियों को तोड़कर बड़े भंडार निर्मित करूंगा, तब मेरी सारी उपज तथा वस्तुओं का रख रखाव हो सकेगा। तब मैं स्वयं से कहूंगा, अनेक वर्षों के लिए अब तेरे लिए उत्तम वस्तुएं इकट्ठा हैं, विश्राम कर, खा पी और आनंद कर। किंतु परमेश्वर ने उससे कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। तब ये सब जो तूने अपने लिए इकट्ठा कर रखा है किसका होगा? यही है उस व्यक्ति की स्थिति जो मात्र अपने लिए इस प्रकार इकट्ठा करता है किंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। इसके बाद अपने शिष्यों से उन्मुख हो मसीह यीशु ने कहा, यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा है, अपने जीवन के विषय में ये चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, या अपने शरीर के विषय में कि हम क्या पहनेंगे। जीवन भोजन से तथा शरीर वस्त्रों से बढ़कर है। कौओं पर विचार करो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, उनके ना तो खलियान होते हैं और ना भंडार, फिर भी परमेश्वर उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। तुम्हारा दाम पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है। तुम में से कौन है जो चिंता के द्वारा अपनी आयु में एक पल भी बढ़ा पाया है? जब तुम ये छोटा सा काम ही नहीं कर सकते तो भला अन्य विषयों के लिए चिंतित क्यों रहते हो? जंगली फूलों को देखो, वे ना तो कताई करते हैं और ना बुनाई, परंतु मैं कहता हूं कि राजा शलोमन तक अपने सारे ऐश्वर्य में इनमें से एक के तुल्य भी सजे न थे। यदि परमेश्वर भूमि की घास को, जो आज तो है किंतु कल आग में झोंक दी जाएगी, इस रीति से सजाते हैं तो अल्प विश्वासियों वो तुम्हें और कितना अधिक सुशोभित न करेंगे। इस उधेड़बुन में ना लगे रहो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और ना ही इसकी कोई चिंता करो। विश्व के सभी राष्ट्र इसी कार्य में लगे हैं। तुम्हारे पिता को पहले ही ये मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इनकी जगह परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सभी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम जो संख्या में कम हो भयभीत ना होना, क्योंकि तुम्हारे पिता
तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट हुए हैं। अपनी संपत्ति बेचकर प्राप्त धनराशि निर्धनों में बांट दो। अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो नष्ट नहीं किया जा सकता है। स्वर्ग में इकट्ठा किया धन जहाँ ना तो किसी चोर की पहुँच है और ना ही विनाश करने वाले कीड़ों की। तुम्हारा मन वहीं लगा होगा जहाँ तुम्हारा धन। हमेशा तैयार रहो तथा अपने दीप जलाए रखो। उन सेवकों के समान जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में है कि वो जब विवाह उत्सव से लौट कर आए और द्वार खटखटाए तो वे तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी लौटने पर जाग दे पाएगा। सच तो ये है कि स्वामी ही सेवक के वस्त्र धारण कर उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा तथा स्वयं उन्हें भोजन परोसेगा। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे प्रहर में भी आकर जाग दे पाए। किंतु तुम ये जान लो, यदि घर के स्वामी को ये मालूम हो कि चोर किस समय आएगा तो वो उसे अपने घर में घुसने ही ना दे। इसलिए तुम भी हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य के पुत्र का आगमन ऐसे समय पर होगा जब तुमने उसके आगमन की आशा भी ना की होगी। पत्रस ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु आपका यह दृष्टांत मात्र हमारे लिए ही है या भीड़ के लिए भी? प्रभु ने उत्तर दिया, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन होगा जिसे स्वामी सभी सेवकों का प्रधान ठहराए कि वो अन्य सेवकों को निर्धारित समय पर भोज्य सामग्री दे दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी लौटने पर यही करता हुआ पाए। सच तो ये है कि स्वामी उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किंतु यदि वो दास अपने मन में कहने लगे, अभी तो मेरे स्वामी के लौटने में बहुत समय है, और वो अन्य दास दासियों की पिटाई करने लगे और खा पी कर नशे में चूर हो जाए, उसका स्वामी एक ऐसे दिन लौटेगा जिसकी उसने कल्पना ही न की थी और एक ऐसे क्षण में जिसके विषय में उसे मालूम ही न था, तो स्वामी उसे मृत्यु दंड देकर उसकी गिनती अविश्वासियों में कर देगा। वो दास जिसे अपने स्वामी की इच्छा का पूरा पता था किंतु वो न तो इसके लिए तैयार था और न उसने उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार ही किया, कठोर दंड पाएगा। किंतु वो जिसे इसका पता ही न था और उसने दंड पाने योग्य अपराध किए, कम दंड पाएगा। हर एक से जिसे बहुत ज्यादा दिया गया है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ही लिया जाएगा, तथा जिसे अधिक मात्रा में सौंपा गया है उससे अधिक का ही हिसाब लिया जाएगा। मैं पृथ्वी पर आग बरसाने के लक्ष्य से आया हूँ और कैसा उत्तम होता यदि ये इसी समय हो जाता। किंतु मेरे लिए बपतिस्मा की प्रक्रिया निर्धारित है और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, कैसी दुखदाई है इसकी पीड़ा। क्या विचार है तुम्हारा? क्या मैं पृथ्वी पर शांति की स्थापना का लक्ष्य लेकर आया हूँ? नहीं, शांति नहीं परंतु फूट का। अब से 5 सदस्यों के परिवार में फूट पड़ जाएगी। 3 के विरुद्ध 2 और 2 के विरुद्ध 3, वे सब एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माता पुत्री के और पुत्री माता के, सास पुत्र वधू के और पुत्र वधू सास के। भीड़ को संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने कहा, जब तुम पश्चिम दिशा में बादल उठते देखते हो तो तुम तुरंत कहते हो बारिश होगी, और बारिश होती है। जब पवन दक्षिण दिशा से बहता है तुम कहते हो अब गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ करता है। पाखंडियों, तुम धरती और आकाश की ओर देखकर तो भेद कर लेते हो, किंतु इस युग का भेद क्यों नहीं कर सकते? तुम स्वयं अपने लिए सही गलत का फैसला क्यों नहीं कर लेते? जब तुम अपने शत्रु के साथ न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होने जा रहे हो, पूरा प्रयास करो कि मार्ग में ही तुम दोनों में मेल हो जाए, अन्यथा वो तो तुम्हें घसीट कर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर देगा। न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी के हाथ सौंप देगा और अधिकारी तुम्हें जेल में डाल देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जेल से बाहर आने के कार्य में तुम कंगाल हो जाओगे।